पूरा स्ट्रेच करता है। और इसमें जरूरी है कि कमर को सॉफ्ट नहीं करना, कमर को सीधा लेके जाना है, आगे सीधा लेके जितना नीचे जा सकते हैं जाएंगे, वो कि इसका सर तो बिल्कुल टच हो जाना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कितने लोग हैं जिनका सर नहीं टच हो रहा होगा, गैप है, इस गैप को कैसे कवर कर सकते हैं बहुत आसानी से। और ये मैंने तारिक भाई से भी बात की है कि इंशाल्लाह अब हम एक काम ये करेंगे, मैं किताब लिख रहा हूँ इसी पोज को मुकम्मल कैसे करते हैं, उसको एक्सट्रीम तक कैसे पहुँचाते हैं, टेक्निक है बड़ी अच्छी। देखिए मैं क्योंकि किसी और काम से आया हूँ तो मैंने कोई योगा दो दिन से नहीं किया, ठीक है, मेरी बॉडी भी इतनी स्टिफ है और मैं अब माशाल्लाह 63 का हो गया हूँ, 60 साल उम्र में भी 3 साल गुजर गए, ठीक है, मैं जिता रहा हूँ। लोग कहते हैं 62 कहना चाहिए, लेकिन भाई मैं 63 के अंदर हूँ ना, तो मैं वही कहूँगा जिसमें हूँ, ठीक है ना, मार्च शो हो गया मैं। अब बेचारे बुजुर्ग आदमी जो 63 साल का हो गया हो, लगता ना हो अलग बात है, लेकिन हो तो गया ना, तो बॉडी बहुत तेजी से स्टिफ हो गई, अगर 2 दिन भी नहीं करूँगा तो 10-15 दिन की स्टिफनेस आएगी मेरे पास। लेकिन मैं टच करना चाहता हूँ तो देखें कैसे करूँगा, बहुत कमाल का बोझ है। आपने पहले नी को बैंड किया, नी को बैंड करने के बाद अपने आपको झुकाया, जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लें, अपने दोनों उंगलियों को ऐसे रखा या नीचे रखें, यहाँ पे हाथ चले, अपने सर को घुटने के पास लेके आराम से उसको लगाएं, जब ये लग जाए तो हल्के हल्के उसको सीधा करना शुरू करें, जब ये हो जाए तो आप हैरान होंगे कि जो पोज आप दिया आपसे नहीं हो रहा था ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। बस सर को पहले यहाँ लगाएं घुटने से, अब उसको सीधा करें घुटने को जहाँ तक आसानी से हो सकता है। फिर यही पोज करते हुए दोनों हाथ आगे ले आए, आप देखेंगे आप उससे आगे जा चुके होंगे जो पहले कर रहे थे, थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना, ऐसे पीछे छोटे इनहेल टर्न किया, यहाँ से तो आपको लग रहा है कि यार इससे ज्यादा नहीं जा सकता मैं, लेकिन जैसे ही घुटने को बैंड करके आप जाएंगे ये ज्यादा हो जाएगा। पहले घुटने को बैंड करें, उसके बाद नीचे जाके घुटना सीधा कर लें, प्लीज पीछे मैं आपको देखना चाहूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो हमने दो दफा कर लिया। इसका सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, विक्रम सौदी साहब कराते हैं वो कहते हैं विक्रम योगा है, कोई कुछ और कहता है, तो किसी ने पाबंद तो नहीं।